तो हमने स्टार्ट किया था मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है सिमिलैरिटीज़। तो कल हमने इसका प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर किया, ठीक है, और ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ी थी। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम। तो टेक्स्ट बुक में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, तो उन एग्जाम्पल्स में इसी का यूज़ किया गया है, एंगल बाइसेक्टर थियरम। तो हम लोग भी यही बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर थियरम, या इसको आप ए बी टी भी बोल सकते हो, शॉर्टकट में उसका निकनेम है प्यार से बुलाने के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल या एंगल बाइसेक्टर थियरम, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमें थियरम दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करने से पहले इसको हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जैसे एल एम और एन, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में तीन पॉइंट्स हैं, मतलब तीन कोने हैं, तीन एंगल्स हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, बाइसेक्ट करने वाले हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तो टू पार्ट्स, बाई का मतलब होता है टू और सेक्ट का मतलब होता है पार्ट्स। तो एक ऐसी रे, एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो ट्राइंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, या बोल सकते हैं उसको बाइसेक्ट करेगा। तो आप तीनों में से कोई भी एक एंगल पिक कर लो। तो मान लो मैंने एंगल एल को ले लिया, ठीक है। एंगल एल से मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो क्या है, सीधे आके मिलता है सेगमेंट एम और एन पे, और इस लाइन को नाम दे दिया ओ। तो यहाँ हमको क्या समझना है कि ये जो बाइसेक्टर होता है, एंगल एल से जो रे एम और एन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, तो पॉइंट ओ पे। तो ये क्या कर रहा है, सेगमेंट एम और एन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब इनका जो रेशियो आता है वो किसके बराबर होता है, तो रिमेनिंग टू साइड्स के। तो क्या समझना है आपको कि यहाँ से जो एंगल से एक बाइसेक्टर निकल रहा है, वो एंगल के ऑपोजिट सेगमेंट, ये अपना एंगल एल था, एंगल के ऑपोजिट सेगमेंट कौन सा है, तो एम और एन, सेगमेंट का मतलब साइड। तो एंगल एल के ऑपोजिट कौन सा लाइन है, एम और एन। तो एम और एन को ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। अब इनका जो टू इक्वल पार्ट्स है वो किसके रेशियो के बराबर होता है, तो रेशियो मतलब अपॉन में, ठीक है, किसके रेशियो के बराबर होता है, तो रिमेनिंग टू साइड्स के। अब हम लोग अपना थियरम देखते हैं एक बार। देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड टू एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। तो ये हमारा एंगल था, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, एम और एन, तो ये इसको भी डिवाइड कर रहा है किसके रेशियो में, तो रिमेनिंग टू साइड्स के। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग पहले लिखेंगे रे एल ओ, रे मतलब ये जो बाइसेक्टर है, लाइन है, इसका इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे एल ओ बाइसेक्ट एट एंगल एल। तो कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, ये एंगल एल पे बाइसेक्ट हो रहा है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल एल बाइसेक्ट्स या इंटरसेक्ट एट सेगमेंट एम और एन। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल एल इंटरसेक्ट एट सेगमेंट एम एन, और कहाँ पे, एट पॉइंट ओ। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हम लोग कैसे लिखेंगे, जो मेन हमारा है वो लिखेंगे एल एम अपॉन एल एन। तो ये दोनों क्या चीज़ है,
तो यहाँ देखो, जब आप ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो हमने क्या पढ़ा था, ये जो बाइसेक्टर है इस सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो है वो किसके इक्वल है, तो रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो रेशियो मतलब अपॉन में आएगा, रिमेनिंग टू साइड्स कौन सा है, एल एम एल एन, तो पहले इसको लिखेंगे। और ये किसके इक्वल है, तो जहाँ पे वो बाइसेक्ट हुआ था, कहाँ बाइसेक्ट हुआ है, तो देखो इधर एम ओ और ओ एन, तो कैसे लिखोगे, एम ओ अपॉन ओ एन, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या समझना था, तो एक बार और इसको अच्छे से देखते हैं। मान लो आपको एक ट्राइंगल दे दिया है, और ट्राइंगल में ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एंगल ए से एक बाइसेक्टर जा रहा है जो कि है डी, आपको इस तरह से दे दिया है। एंगल ए से जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है या इंटरसेक्ट हो रहा है, सेगमेंट बी सी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, एंगल ए इंटरसेक्ट, एंगल ए इंटरसेक्ट एट सेगमेंट बी सी एट पॉइंट, तो कहाँ पे, एट पॉइंट डी। अब इसको आप लोग लिखोगे कैसे, तो यहाँ देखो वो वाला ट्राइंगल थोड़ा अलग था, उसका हमने कहाँ से लिया था, ऊपर से लिया था तो इजी लगा, साइड साइड को ले लिया। अब यहाँ पे आपको देखना है इंटरसेक्ट कहाँ से हो रहा है, एंगल ए से, तो एंगल ए का ऑपोजिट साइड कौन सा है, बी और सी, और रिमेनिंग टू साइड्स कौन से हैं, तो ए और बी और ए और सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ये रिमेनिंग टू साइड्स हैं। और कहाँ पे वो इंटरसेक्ट हुआ है, तो सेगमेंट बी सी पे, और सेगमेंट बी सी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टू, कौन सा, बी डी एंड डी सी। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। तो ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर थियरम, ए बी टी। अब एक होता है हमारा कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थियरम। तो कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थियरम में क्या होता है, कन्वर्स मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या दिया था ए बी टी में, कि आपको ये बता दिया है कि एक एंगल है जिसने इंटरसेक्ट किया है एक सेगमेंट पे और पॉइंट डी पे, तो आपको उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो आप करोगे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, ये हमने कर दिया, ये है एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थियरम में क्या होगा, कि आपको बोल देगा कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, तो कन्वर्स में हमको बोलेगा कि एक ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है, और पॉइंट डी जो है, पॉइंट डी ये क्या है, पॉइंट डी है ऑन साइड ए सी पे, कहाँ पे है, साइड ए सी पे। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा है ए सी पे, देखो ए बी सी, और पॉइंट डी कहाँ पे है, साइड ए सी पे, तो यहाँ पे डी है, तो मतलब बाइसेक्ट किधर से किया है, एंगल बी से। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये आपको लिखा हुआ दिया रहेगा क्या, कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, तो ये आपको दिया रहेगा। और आपको फाइंड क्या करना है, कि क्या ये जो बी डी है वो इस ट्राइंगल का बाइसेक्टर है, मतलब रे बी डी जो है क्या वो सच में एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये हमको फाइंड करना रहेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, जब ए बी अपॉन बी सी का वैल्यू इक्वल होगा किसके, तो ए डी अपॉन डी सी, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू किन की आएगी, ऑपोजिट रिमेनिंग साइड्स के रेशियोज की, ठीक है। तो यही होता है बस कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थियरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपको ये बोला रहेगा कि एक एंगल है जो सेगमेंट को बाइसेक्ट कर दिया है, अब आपको क्या ये वाला लिख के बताना है कि कौन कौन से एंगल को किस तरह से बाइसेक्ट किया है और वो रेशियो क्या बन रहा है।
लेकिन कन्वर्स में आपको रेशियो दिया रहेगा और आपको प्रूफ करना है कि क्या जो रे है वो वाकई में एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं। तो इससे रिलेटेड पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं क्या 1.2, और अच्छे से इस थियोरी को समझते हैं। तो हम लोग आज एंगल बाइसेक्टर थियोरी और कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थियोरी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी के प्रॉपर्टीज़ हम लोग आगे क्वेश्चंस के साथ करते चलेंगे। तो आज के क्वेश्चन सेशन में हम लोग बस एंगल बाइसेक्टर थियोरी और कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थियोरी को ही कवर करेंगे। तो हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थियोरम और कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थियोरम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा। अब उन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये पांचों क्वेश्चन जो है हमारा किस पे रिलेटेड है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किस पे, तो कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो कन्वर्स कैसे, तो यहाँ पे देखो हमको साइड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो देखो गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट्स हमको दी हुई है। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो इन तीनों फिगर्स में से हमको क्या करना है, साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है और उसके बाद बताना है कि किस ट्राइंगल में जो ये रे है ना पी एम दिया हुआ है तीनों में, तो हमें ये पता करना है कि किस ट्राइंगल में ये रे बाइसेक्टर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हमको दिया हुआ है क्या, ट्राइंगल पी क्यू आर या ट्राइंगल क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर बोलेंगे क्योंकि एंगल पी से जो है रे निकल रहा है, तो एंगल पी बीच में आएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है एंगल क्यू पी आर। तो इसमें हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, पी आर अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, तो क्यू एम अपॉन एम आर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, जब ये बराबर होंगे जो रेशियोज़ ऑफ दी साइड्स हैं, जब ये आपस में इक्वल होंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रे पी एम जो है वो बाइसेक्टर है एंगल पी का। ये हम लोगों ने कन्वर्स में पढ़ा था ना कि जब आपको दिया रहेगा कि जो लेंथ साइड लेंथ है या फिर बोल सकते हैं जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ लेंथ सेगमेंट है, ये जो लेंथ है ये इस लेंथ के इक्वल रहेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये था हमारा कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि आपको बोला रहेगा कि रे पी एम मतलब ये जो रे है वो बाइसेक्टर है। अब आप प्रूफ करो कि जो लेंथ है वो क्या है, तो इक्वल है। तो ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और कन्वर्स में आपको क्या करना है, तो आपको लेंथ को प्रूफ करके ये बताना है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, पहले क्वेश्चन में रफली अभी देखते हैं हम लोग। मान लो हम लिखते हैं पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर क्या आया, 7/3। पी क्यू अपॉन क्यू आर 7/3। अब ये क्या होना चाहिए, तो इसके इक्वल होना चाहिए, किसके, तो क्यू एम अपॉन एम आर। तो देखते हैं क्यू एम अपॉन एम आर, तो क्यू एम कितना दिया है हमको, 3.5 अपॉन 1.5। तो पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ये हो जाएगा 35/15। तो अब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 5 3 जा, तो यहाँ हमको क्या मिल गया, तो देखो पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं
पी क्यू अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, क्यू एम अपॉन एम आर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रे पी एम क्या है, वो बाइसेक्टर है, क्योंकि ये क्या हो गए, आपस में इनके वैल्यूज़ इक्वल हो गए। अगर वही मान लो ये 7/3 आ गया और ये कुछ और आ जाता तो क्या वो इक्वल होते, तो इक्वल नहीं होते। तब हम लोग क्या कहते हैं कि रे पी एम जो है वो बाइसेक्टर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, ये बस एक रफ वर्क था, ठीक है। अब फेयर में इसको देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो हमने क्या लिखा, गिवन क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू दी है, पी आर की भी वैल्यू हमको दी है, क्यू एम की वैल्यू दी है और एम आर की वैल्यू दी हुई है। अब हमको क्या प्रूफ करना था कि जो रे है पी एम वो बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग किस एंगल को लेंगे, ये दो एंगल को लेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये कितना मिला हमको, 7/3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम लोग जहाँ पे ये बाइसेक्टर मतलब जो रे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिस सेगमेंट पे, वो भी तो टू पार्ट्स में आपस में डिवाइड हुए हैं, तो उनको भी देखते हैं, क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम कितना है 3.5 और एम आर कितना है 1.5। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और पॉइंट हटा तो कितना मिला 35/15। तो 35/15 को जब आप 5 से डिवाइड करो तो 5 3 जा और 5 7 जा, तो हमको क्या मिला 7/3। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या पता किया कि पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू है किसके, क्यू एम अपॉन एम आर। तो ये किससे, बाय कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थियरी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रे पी एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। कैसे, जब ये हमें इक्वल मिले, अगर यही इक्वल नहीं रहते तो हम लोग क्या लिखते, रे पी एम इज़ नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो फर्स्ट वाला देख लो कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं था, बस प्रूफ करना था कि ये बाइसेक्टर है या नहीं। अब हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या प्रूफ करना है कि रे पी एम जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू पी आर का। तो इसके लिए भी हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो लेंथ हमको दिया है, लाइन सेगमेंट दिया है, वो इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि रे पी एम जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी का, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे, रे पी एम एक बाइसेक्टर नहीं है। तो इसको भी देखते हैं रफली। पहले देखो, पहले क्या करेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये कितना आएगा 10/7। तो ये हमको मिल गया फर्स्ट। अब सेकेंड वाला देखो, तो ये हमको आएगा क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है। ये वाला लाइन भी दो पार्ट्स में टूटा है, जो हमारा लाइन सेगमेंट है क्यू आर टू पार्ट्स में टूटा है, क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम कितना दिया है, तो 8, और एम आर कितना दिया हुआ है, तो 6। तो ये हमारा मिला सेकेंड। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि पी क्यू अपॉन पी आर की जो वैल्यू है वो 10/7 आई है, और क्यू एम अपॉन एम आर की वैल्यू क्या है, 8/6 आई है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो नहीं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर। अब जब ये इक्वल ही नहीं है तो क्या ये जो लाइन सेगमेंट है पी एम, इसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर है, तो नो, ये बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसा है, ये भी हमने बस रफली किया है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला था कि ये ट्राइंगल में पी एम बाइसेक्टर है या नहीं, वो हमको प्रूफ करना था। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमको पहले जो सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, उनको इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, फिर जो इनको है
उनको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हमको क्या पता चला कि पी क्यू अपॉन पी आर जो ये दोनों लाइन सेगमेंट है वो इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है ही नहीं। तो इस वजह से पी एम जो है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है इस ट्राइंगल क्यू पी आर का। ठीक है, अब इसको फेयर में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे यह हमारा ट्राइंगल है, गिवन है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर की वैल्यू दी है 7, पी क्यू की वैल्यू दी है 10 और आर एम की वैल्यू दी है 6 और एम क्यू की वैल्यू दी है 8। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, पी आर 7 और पी क्यू 10। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है कि आप लोग ले लोगे पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये भी ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, आर एम अपॉन एम क्यू, तो दोनों अलग अलग आया। ठीक है, या फिर अगर आप क्यू एम अपॉन एम आर भी लेते हो ना तो भी क्या है, आपको वैल्यूज़ अलग ही मिलेंगे। तो 1 और 2 से हमको क्या पता चला यहाँ पे कि जो पी आर अपॉन पी क्यू है वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, आर एम अपॉन एम क्यू के। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या कहा कि रे पी एम जो है इज़ नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, तो इक्वल नहीं है तो बाइसेक्ट भी नहीं करेगा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लो अच्छे से कैसे करना है। ठीक है, तो देखो इसको रफली जब हमने किया तो हमने क्या लिया था, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है, जो आया था 10/7। तो ये मत सोचना कि ये गलत है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, पी आर अपॉन पी क्यू भी ले सकते हैं या पी क्यू अपॉन पी आर भी ले सकते हो, वैल्यूज़ तो आपको वही मिलने वाले हैं। क्या तो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमको थर्ड ट्राइंगल दिया हुआ है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स के लेंथ हमको दे दिए हैं और हमें प्रूफ क्या करना है कि पी एम जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है या नहीं एंगल क्यू पी आर का। तो इसको भी एक बार रफली अगर आप देखो तो आप कैसे करोगे, पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा आपको, 10/9। तो ये हमारा फर्स्ट हमको मिल गया। अब सेकेंड कैसे होगा, आर एम अपॉन एम क्यू, तो आर एम हमको कितना दिया हुआ है, 4, और एम क्यू कितना दिया है, 3.6। अब ये पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, तो नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी हो जाएगा, तो ये कितना होगा हमारा 40 और ये कितना होगा 36। अब 36 जो है वो किसके टेबल में आता है, तो 4 9s, ठीक है, और 40 भी किस में आता है, 4 के टेबल में, तो 4 10s और 4 9s। तो यहाँ देखो जो वैल्यू पी क्यू अपॉन पी आर की है, पी आर अपॉन पी क्यू की थी 10/9, वही वैल्यू हमको इस लेंथ का भी आया, जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे बाइसेक्ट हुआ है वो भी उतना ही आया 10/9। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो लेंथ है वो इस वाले लेंथ के इक्वल है, तो ऐसे में हम लोग बोल सकते हैं पी एम जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कैसे, तो जो बाइसेक्टर एंगल पी के ऑपोजिट में जो लाइन सेगमेंट है क्यू एम अपॉन एम आर वो किसके इक्वल है, तो रिमेनिंग 2 साइड्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसको भी फेयर में देखते हैं एक बार। तो ये भी उसी तरह करना है जिस तरह हमने स्टार्टिंग के दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व किया। देखो गिवन क्या है, पी आर पी क्यू आर एम और एम क्यू की वैल्यू हमको दी हुई है, हम लोग क्या करेंगे, पी आर अपॉन पी क्यू कितना है, 10/9। 10/9 हो सकता है कुछ बच्चे ले लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। फिर जब आप इसको ले लोगे, जैसे एम क्यू अपॉन आर एम अगर आपने ले लिया, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी आपका कितना आएगा, 9/10। तो ये मैं समझना कि गलत है, ये भी सही है। तो ये 9/10 अगर ये आ गया, तो जिस हिसाब से आपने इसको लिया ये भी 9/10 आ जाएगा, तो आखिर दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे, आर पी आर अपॉन पी क्यू बराबर है किसके, आर एम अपॉन एम क्यू के। ये किससे मिला हमको, फ्रॉम 1 और 2। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या कहा कि रे पी एम जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल क्यू पी आर के। अब ये हमारा कौन सा थियरम है, तो कन्वर्स
एंगल, बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो ये तीनों जो हमने ट्राइंगल्स किया क्वेश्चन नंबर वन का, तो ये किस पे बेस्ड था? तो कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, CABT। ओके, तो ये वाले ट्राइंगल को भी एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लो और सॉल्व कर लो अपने बुक में, ताकि आपको भी समझ में आए अच्छे से। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थ्री के तरफ, ठीक है, क्योंकि मैंने जो जो बताया क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 8 और 9 ये किस पे बेस्ड है? तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। ठीक है, तो इसको हम लोग आज इस वाले प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा है, तो इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी प्रोपोर्शनैलिटी पे बेस्ड है तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे वो किस पे बेस्ड होगा? तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन देख लिया हमने, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है? इन ट्राइंगल एम एन पी, एन क्यू इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो यहाँ पे क्या दे दिया है कि एन क्यू जो है वो बाइसेक्टर है, तो ये ABT पे है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो उसमें हमारा क्या था कि हमको बता दिया है कि जो एन क्यू है वो क्या है? बाइसेक्टर है एंगल एन का। अब इसमें हमको क्या करना है? इफ़ MN इज इक्वल्स टू 5, तो MN हमको दे दिया है 5, NP दे दिया है 7, MQ की वैल्यू दी है 2.5, तो आपको फाइंड क्या करना है? PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको भी कैसे हम लोग करेंगे? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको, जो हम लोग यूज़ करते थे फॉर्मूला बस उसी तरह यूज़ करना है। कैसे? तो MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू क्या होता था? तो ये जो है वो किसके इक्वल्स टू होता था? तो एम क्यू अपॉन क्यू पी। तो ये कैसे लिखेंगे? एम क्यू अपॉन क्यू पी। तो एम एन कितना दिया है हमको? 5। एन पी कितना दिया है? 7। एम क्यू कितना दिया है? 2.5। और फाइंड क्या करना है? क्यू पी। तो ये तो हम लोगों को पता है कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। क्यू पी की वैल्यू निकालने के लिए क्यू पी को यहाँ भेजो, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? क्यू पी इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7 अपॉन 5, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 1 ज़ा 5 0.5 ज़ा, तो 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? तो देखो 0.5 7 ज़ा, तो 5 7 ज़ा 35 और ये 3.5, तो क्यू पी की वैल्यू कितनी आ गई? तो 3.5। तो ये समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक है, तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, ये बोल दिया है कि एन क्यू जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, बाकी सारे वैल्यूज़ हमको दिए हुए हैं। जिस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, उस तरह हम लोग इक्वल्स टू में सारे लेंथ को लिखेंगे और जो जो वैल्यूज़ दिए उसको पुट करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपने देखा क्यू पी की वैल्यू हमको कैसे मिल गई? 3.5। तो इसको हम लोग ने बस रफली किया, फेयर में एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखो हमको क्या दिया है, ट्राइंगल एम एन पी में, ट्राइंगल एम एन पी में क्यू एम अपॉन क्यू पी और एम एन अपॉन एन पी, आप इधर भी और इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही हमको पता चलता है ना कि जब एन क्यू बाइसेक्टर है तो वो क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और उसका रेशियो किसके इक्वल होता है? तो रेशियो ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो उसके बाद जो जो वैल्यूज़ दिए उन वैल्यूज़ को आप लोग क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करोगे। तो फाइंड किसकी करनी थी? क्यू पी की वैल्यू। तो क्यू पी हमको क्या मिला? जब 2.7 के पास आप
2.5 के पास 7 को भेजोगे तो ये यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड। तो ये आपको पता रहना चाहिए कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, तो ये आया 5 1s और ये होता है 0.5s। अब 0.5 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, 0.57s 3.5। तो QP की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 3.5। तो बस इधर हमको यही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सारे वैल्यूज़ दिए हुए थे हमको और हमको बस फाइंड क्या करना था, QP की वैल्यू, बाकी और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो ये वाले सॉल्यूशन को एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लो कैसे करना है, और फिर खुद से एक बार ट्राई कर लो अपने नोटबुक में। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ क्या पूछा है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। तो इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, QP की वैल्यू। बाकी हमको MN की वैल्यू दी है, NP की वैल्यू दी है, MQ की वैल्यू दी है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, QP। तो यहाँ पे भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। और ये कौन सा फॉर्मूला है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ठीक है। NQ जो है यहाँ पे बाइसेक्टर है, और यहाँ पे देखो ये जो दो पॉइंट्स दिए हैं ना, दो डॉट डॉट, इसका क्या मतलब है कि इसने इक्वल पार्ट्स में सेगमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमको बता रहा है कि NQ जो है वो लाइन सेगमेंट है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो जिस तरह हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग करेंगे। तो इसको भी एक बार देखते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फेयर में देखते हैं कैसे करना है। देखो ये हमारा ट्राइंगल था, ठीक है, और गिवन क्या है, ट्राइंगल MNP में MN की वैल्यू दी है क्या, 25। NP की वैल्यू दी है कितना, तो 40। NP की वैल्यू दी है 40, MQ की वैल्यू दी है 14, और फाइंड क्या करना है, QP की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो देखो आप लोग कैसे लिखोगे, MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP, MN अपॉन MP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। और ये कैसा है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। अब जो जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं ना, उन वैल्यूज़ को उनकी जगहों पे रख दो, ठीक है। तो हमने रखा 25/40 इज इक्वल्स टू 14/QP। अब आप देखोगे QP की वैल्यू रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, तो ये जितने भी टर्म है ना, इनको आप यहाँ लेकर आ जाओ और QP को इनकी जगह पे कर दो। तो देखो जब इस तरह से डिवाइड वाले टर्म इक्वल्स टू के इस साइड आते हैं ना, तो ये उल्टा हो जाते हैं। जैसे 25/40 लिखा है और इक्वल्स टू है, तो जब ये इक्वल्स टू के इस साइड आएगा ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कैसा, तो 25/40 है और जब ये इक्वल्स टू के इस साइड आएगा, तो उल्टा कैसा हो जाएगा, 40/25, ठीक है। कैसा हो जाएगा, 40/25। तो यहाँ क्या होगा, देखो 25/40 दिया है, तो QP इनकी जगह पे आएगा, तो QP हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा QP। अब ये क्या है, 25/40 ये आ रहा है 14 के पास, तो कैसे लिखाएगा, 14 इंटू, ठीक है, इंटू हो जाएगा, डिवाइड में तो इंटू 40/25, ठीक है। कभी कभी कुछ बच्चों को ये वैल्यूज़ इधर उधर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है आप लोगों को, इसीलिए ये एक शॉर्टकट तरीका है समझने के लिए कि जब डिवाइड वाले टर्म्स इक्वल टू के दूसरे साइड आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। उल्टा मतलब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 40/25, ठीक है, बस उल्टा कर देना है इसको। तो यहाँ पे देखो 14 है, 14 ऑलरेडी था, और ये वाला टर्म जब इधर आया तो उल्टा हो गया, कैसे, 40/25। तो 40/25 हुआ, तो ये 5 के टेबल में जाता है, 5 5 ज़ा और 5 8 ज़ा 40, ठीक है। तो 8 14 ज़ा कितना होता है, तो 112, मतलब 112। तो 112 को आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो ये रफ वर्क यहाँ किया, 112 को 5 से जब डिवाइड किया तो कितना आया, 22.4।
तो कितना आया 22.4। तो यही होता है हमारी QP की वैल्यू। तो QP की वैल्यू क्या मिल गई आपको 22.4। तो ये किस तरह से आया डिवाइड करके, ये यहाँ पे रफ वर्क किया हुआ है, ठीक है। और ये किस तरह से हमने वैल्यूज़ को शिफ्ट किया जगह से, ये भी जस्ट अभी हमने समझा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो फटाफट, और अच्छे से समझ लो कि कैसे करना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 हो गया हमारा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी हमारे ABT थ्योरम पे है, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, ठीक है। तो यहाँ देखो बाइसेक्टर में ये जो इक्वल्स टू के सिंबल्स बने हैं, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो MT है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और इसने लाइन सेगमेंट LN को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड किया। तो क्यों, कौन से पार्ट में, LT अपॉन TN, ठीक है। तो देखो इधर, इन ट्राइंगल LMN रे MT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN। तो ये बोला है हमको बाइसेक्टर है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो जितने भी लाइन सेगमेंट्स है वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो वैल्यूज़ हमको क्या दी है, LM की वैल्यू दी है 6, MN की वैल्यू दी है क्या 10, TN की वैल्यू कितनी दी है 8, और फाइंड क्या करना है LT की वैल्यू। तो इसको भी हम लोग फेयर में देखते हैं डायरेक्ट। तो देखो गिवन क्या है, ट्राइंगल है एक LMN, और क्या बोला है, रे MT जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल LMN का। तो एंगल LMN का बाइसेक्टर है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, LM अपॉन MN, LM अपॉन LMN इक्वल्स टू है किसके, LT अपॉन TN। तो ये वाला कैसे लिखना है, ये तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये किस थ्योरम से है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्यों, क्योंकि जब आपको बोल दिया है कि रे MT बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो बाकी जितने भी साइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाते हैं। और अगर आपको बोला रहता कि लेंथ जो है वो इक्वल प्रूफ करके ये प्रूफ करो कि रे MT जो है वो बाइसेक्टर है, तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये डिफरेंस आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो इजी है, समझ आ गया होगा अभी तक इतना हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि MT जो है वो बाइसेक्टर है LMN का, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे उसको। और ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये ज़रूर लिखना ताकि टीचर को समझ में आए कि किस थ्योरम के हिसाब से आप लोग कर रहे हो। तो बाद में क्या, जो भी वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट करो। 6 की वैल्यू है किसकी, LM की वैल्यू है 6, MN की वैल्यू दी है 10, LT की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और TN की वैल्यू दी है 8। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, LT की वैल्यू निकालनी है हमको, तो LT को यहीं रहने दो, 8 को जब आप भेजोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डिवाइड में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे नहीं। तो किस तरह से होगा, देखो ये नीचे नहीं, मतलब ये देखो 6 अपॉन 10 है, तो ये पूरे एक टर्म के साथ इस तरह भी आप लिख सकते हो, या 6 इंटू 8 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमको पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सामने सामने के टर्म्स वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिखो या पूरा इस तरह से लिखो, ठीक है। तो अब देखो इसको 6 8 जा क्या होता है 48, और नीचे का 10, जब 48 को 10 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपका कितना 4.8। तो कैसे, 48 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 फोर ज़ा 40, बचा 8, फिर यहाँ पे 0 लोगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 10 8 ज़ा 80, ये हो गया 0, ठीक है। तो डिवाइड तो पता ही होगा सबको, तो LT की वैल्यू क्या मिल गई हम लोगों को 4.8। तो इसमें भी बस यही करना था हम लोगों को, सारे वैल्यूज़ दिए हुए थे और एक वैल्यू हमको निकालना था, तो देख लो एक बार कैसे करना है अच्छे से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो ABT पे बेस्ड है, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। तो यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं करना है, वही काम जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABC BD जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है,
तो ये हमको बोल दिया कि BD बाइसेक्टर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी साइड्स है उनको सॉल्व करेंगे। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब इनको फाइंड करके हम लोग क्या निकालेंगे, तो x की वैल्यूज। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो ये दिया है हमको, तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC में रे BD जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, तो एंगल ABC, एंगल ABC, एंगल AB का ही बाइसेक्टर है ना, तो इसको इसी तरह लिखेंगे। जो बीच वाला टर्म होता है ना, इसका मतलब क्या है कि यहीं से एंगल बाइसेक्टर निकला है, बीच वाला टर्म जो B लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि यहीं से एंगल B से ही बाइसेक्टर निकला है अपना। तो BD जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल B का बोल दो या एंगल ABC, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो जब बाइसेक्टर है तो आप कैसे लिखोगे, जैसे हम लोग लिखते हैं AB अपॉन BC, और जो AC को वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो टू पार्ट्स कौन सा है, AD अपॉन DC, ठीक है। तो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। तो ये किस थ्योरम से हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना कौन सा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये किस थ्योरम से आता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ABT, ठीक है। आप शॉर्टकट में मत लिखना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पूरा लिखना। अब जो जो वैल्यूज़ है वो पुट करो, AB की वैल्यू क्या दी है, x, ठीक है, AB की वैल्यू दी है x, BC की वैल्यू दी है x प्लस 5, फिर AD की वैल्यू दी है x माइनस 2 और DC की वैल्यू दी है x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते समय थोड़ा अच्छे से ध्यान से करना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यही होता है, ये आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये याद रखना, इक्वल्स टू में जब इस तरह दिया रहे ना, तो ये वाला टर्म ऐसे और ये वाला टर्म ऐसे बटरफ्लाई बना देना, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस बन रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे किस में, एक्स प्लस 2 में, और एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा किस में, तो एक्स प्लस 5 में, ये हमने किया। अब देखो एक्स को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये अलजेब्रा में भी हम लोग करते हैं, तो ये आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फिर देखो ये पूरे ब्रैकेट को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो पहले x वाले टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद माइनस 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x, फिर माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, और फिर माइनस 2 इंटू 5 तो आया माइनस 10। अब एक्स स्क्वायर कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये कट कर दिया, अब जितने भी x वाले टर्म है ना उनको आप पास में लेकर आ जाओ, तो 2x, ये 2x, फिर ये माइनस 2x जब यहाँ पे आया तो प्लस 2x हो गया, और ये प्लस 5x जब इधर आया तो माइनस 5x हो गया, और ये माइनस 10 जब इस साइड आया तो प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 2x कितना होता है, 4x, माइनस 5x प्लस 10, तो ये हमने लिखा। अब इसके बाद 4x में से माइनस 5x गया तो माइनस एक्स, 4 में से माइनस 5 करोगे तो 1 आएगा और बिगर नंबर साइन, तो ये हमने इधर लिखा, ठीक है, और प्लस 10। तो आपको क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x इधर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे आप, इक्वल्स टू के दूसरे साइड भेज दो, तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से, x इज इक्वल्स टू 10 या 10 इज इक्वल्स टू x, तो 10 इज इक्वल्स टू x लिखो या x इज इक्वल्स टू 10 लिखो, दोनों बात सेम है, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 10। तो ये बस इतना ही हम लोगों को करना था। तो देखा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, ये बहुत ही इजी है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए, किस तरह से
जो वैल्यूज़ है वो इधर से उधर जा रहे हैं तो किस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक बार आपको वो अच्छे से कर लिया तो आंसर तो आप इजीली ला ही सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लो कैसे किया हुआ है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एंगल बाइसेक्टर दिया था, एंगल बाइसेक्टर थियोरम को यूज़ करते हुए साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ किया और साइड्स पे जो जो वैल्यूज़ दी है उन सारे वैल्यूज़ को रखने के बाद आप क्या करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला तो एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, कौन से क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों ट्राइंगल्स को कवर किया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। तो एक बार आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना जो बचे हुए हैं उनको पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टी कल रिवील करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को पढ़ने और समझने के बाद ही क्या होगा तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक जितना भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं आप लोग एक बार उन सबको प्रैक्टिस करना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बस, थैंक यू।